हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपकी फ्रेंड रिचा नाथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ISPSC सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, जनरल जियोग्राफी की क्लास चल रही है, तीसरा वीडियो है। इसमें 30 MCQs है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जिस बिंदु पर भूकंप का आविर्भाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर भूकंप का आविर्भाव होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल, यानी ए ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भूकंप लहरों का अनुभव होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र, और पृथ्वी के विपरीत सतह पर निर्मित केंद्रों को कहते हैं विपरीत ध्रुव केंद्र। ठीक है, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग के कारण धरातल पर सर्वाधिक क्षति होती है। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आप लोग को याद होगा, मैंने आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था भूकंप के बारे में और बताया था कि भूकंपीय तरंग दो प्रकार की होती है। पहला तो है भूगर्भिक और दूसरा है धरातलीय। ठीक है, भूगर्भिक जो होता है फ्रेंड, अगेन दो भाग में विभाजित होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और धरातलीय जो है वो एल प्रकार का होता है। तो जो धरातलीय है, जो एल है, वो धरातल पर सर्वाधिक क्षति करती है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? एल तरंग का जो चाल है वो सबसे कम होता है, यानी PSNL की अपेक्षा एल तरंगों की चाल सबसे कम होती है और इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है। ये तरंगे दीर्घवृत्तीय होती है और इसके कारण धरातल पर सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगर इसकी खोज की बात करें तो लॉर्ड रेले ने एल तरंगों की खोज की थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग की गति प्रकाश तरंगों के समान होती है। तो फ्रेंड, जो एस तरंगे हैं, एस तरंगों की गति प्रकाश तरंगों के समान होती है। एस तरंगे जो है फ्रेंड, मध्यम तरंग दैर्ध्य अर्थात मीडियम वेवलेंथ तरंगे होती है और इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस से होकर गुजर सकती है और इसे प्रकाश तरंग के ये जो है वो प्रकाश तरंग के समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी तरंग है, जो प्राइमरी तरंग है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी तरंगे जो है फ्रेंड, वो प्राथमिक तरंग होती है जिसकी गति सर्वाधिक होती है। PSNL की तुलना में पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों में गति कर सकती है। इसे अनुदैध्य तरंग भी कहते हैं और ये ध्वनि तरंग के समान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन सी पदार्थ श्रावित होती है। तो फ्रेंड, अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो ये सारे ही जो हैं, लैपिली, प्यूमिक, पायरोक्लास्ट, ये सब ज्वालामुखी क्रिया के कारण श्रावित पदार्थ हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर लैपिली के बारे में जानें तो ये मटर के दाने के समान होती है, और अगर प्यूमिक के बारे में जानें तो इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। मतलब क्या है कि ये जल में तैर भी सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को कहते हैं पायरोक्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है। तो फ्रेंड, जो पीलियन ज्वालामुखी है, ए ऑप्शन जो है हमारा, पीलियन ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है क्योंकि इसका उद्गार सर्वाधिक विस्फोटक एवं प्रचंड होता है। इसका लावा सर्वाधिक चिपचिपा होता है। अगर इसका एग्जाम्पल्स देखें तो इंडोनेशिया का क्राकोटाओ और फिलीपींस का माउंट ताल इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस ज्वालामुखी को भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो फ्रेंड, स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाली ज्वालामुखी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है वैसा ज्वालामुखी जिससे लावा गैस और विखंडित पदार्थ हमेशा ऑल द टाइम श्रावित होते रहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड जो फ्यूजियामा है वो तो है जापान में, मेयान जो है वो फिलीपींस में है, चेम्प्रेजो जो है फ्रेंड वो स्थित है हमारे इक्वाडोर में, ना कि कनाडा में। यानी सी ऑप्शन जो है वो गलत है और हमारे लिए सही है, क्योंकि क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरारा जो है वो आर्मेनिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अगेन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ स्थित देश है। तो एक करके देखते हैं, कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। और फ्रेंड कोटोपैक्सी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, पोपा जो है वो म्यांमार में है और ये एक मृत ज्वालामुखी है। हेकला जो है वो आइसलैंड में है, बट मोनोआ जो है वो फिलीपींस में नहीं है, ये है यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी। यानी डी ऑप्शन जो है हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लावा निर्वित पठार कौन सा है? तो फ्रेंड ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लावा पठार है। और अगर सेकंड बड़ा बोले तो ये है पराना का पठार। क्या होता है लावा का पठार? ये जान लेते हैं कि जब तरल मैग्मा क्षैतिज रूप से चादरीय स्वरूप में परत दर परत धरातल पर जमता है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा कि तरल मैग्मा जब क्षैतिज रूप से चादरीय स्वरूप में परत दर परत धरातल पर जमता है, यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लावा पठार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पायरोक्लास्ट का क्या अर्थ है? हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ज्वालामुखी के अंतर्गत भूपटल पाए बड़े टुकड़ों को कहते हैं पायरोक्लास्ट। यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैथोलिथ का निर्माण का संबंध किससे है? तो फ्रेंड बैथोलिथ का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा धरातल है और ये किसी ज्वालामुखी का मुख है और ये है उसकी नली। ठीक है, अब यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे मुंह की तरफ जा रहा है। लेकिन ये मुंह से बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि ये नली में ही शीतल होकर जम जाता है, ठंडा होकर वहीं पे जम जाता है। और जमने के कारण विभिन्न स्वरूप के स्थलाकृति का निर्माण करता है, उसी में से एक है बैथोलिथ। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से, इसके अलावा भी लोकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिलसीट, डाइक वगैरह भी, इन सब का भी निर्माण होता है। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, महासागरों के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग महाद्वीपीय मग्न तट है? तो फ्रेंड लगभग 8.6% भाग, यानी डी ऑप्शन जो है 8.6% भाग है ये। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.6 भाग महाद्वीपीय मग्न तट है। अगर इसका विस्तार देखें तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा विस्तार है मग्न तट का, कितना? 13.3%। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। प्रशांत महासागर में इसका है 5.7% और हिंद महासागर में अगर इसका विस्तार देखें मग्न तट का तो वह है 4.2%। ठीक है, विश्व के कुल खनिज तेल व गैस का उत्पादन का लगभग 20% जो है वो महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर मग्न ढल पाए जाते हैं? तो फ्रेंड, जो मग्न ढाल है वो समस्त सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा मग्न तट हो गया और ये है हमारा सागरीय मैदान। तो इनके बीच में जो तीव्र ढाल होगा ना, वो हमारा कहलाएगा मग्न ढाल। ठीक है, मग्न ढाल पर जल की गहराई अगर देखें तो वो है 200 to 2000 मीटर तक। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखें तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा है, कितना? 12.4%। देन प्रशांत महासागर में है 7% और हिंद महासागर में है 6.5% मग्न ढाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे महासागरीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है? तो फ्रेंड, महासागरीय नीतल के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र जो है वो महासागरीय मैदान होता है और इसकी गहराई अगर देखें तो ये लगभग 3000 to 6000 मीटर तक होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके विस्तार की बात करें विभिन्न महासागर में, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है, कितना? 80.3%। उसके बाद है हिंद महासागर में, कितना? 80.1%। और इसके बाद अटलांटिक महासागर में 54.9%। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चागोस रीज किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड, जो चागोस रीज है वो स्थित है हिंद महासागर में। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समुद्री पर्वत किस महासागर में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड, सबसे अधिक समुद्री पर्वत पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसे कहते हैं? यदि महासागरीय नीतल पर जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक हो तो वह कहलाता है समुद्री पर्वत। ठीक है, ये कहलाएगा समुद्री पर्वत। और जिन समुद्री पर्वत का जो शीर्ष है वो सपाट हो, ठीक है, इसका जो शीर्ष हो वो सपाट हो, वो कहलाता है गुआट। ठीक है, वो गुआट कहलाता है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण इनका विकास होता है, इनका निर्माण होता है। और समुद्री पर्वत और गुआट की संख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, महासागरों में सबसे गहरे भाग महासागरीय गर्त होते हैं। तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। गर्त की उत्पत्ति का कारण विवर्तनिक क्रिया को माना जाता है और गर्तों की सबसे ज़्यादा संख्या आपके कहाँ है? वो है प्रशांत महासागर में, गर्तों की सबसे ज़्यादा संख्या। और प्रशांत महासागर में ही मरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो फ्रेंड, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का धरातल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है और यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर की आकृति जो है वो त्रिभुजा कार होती है। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो फ्रेंड, अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो एस प्रकार की होती है, यानी एस अल्फाबेट वाला एस, ठीक है, इस आकृति की होती है। अटलांटिक महासागर फ्रेंड्स विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महासागर है
और ये मध्य अटलांटिक कटक है यहाँ पे, और इसके मध्य अटलांटिक कटक जो है वो महासागर को दो भाग में बांटती है, ठीक है, प्रशांत, ये अटलांटिक महासागर को दो भाग में बांटती है, और विषुवत रेखा के उत्तर के तरफ जो है भाग उसे कहते हैं डॉल्फिन, और इसके दक्षिण की तरफ जो भाग है उसे कहते हैं चैलेंजर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा कटक अरब सागर को दो भागों में विभक्त करती है? तो फ्रेंड ये है कार्लसबर्ग कटक, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यह अरब सागर को दो भागों में विभक्त करती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कब किया गया? बात हो रही है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, तो फ्रेंड अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और 1915 में इसकी विस्तृत विवेचना की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1912 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शक यानी पीरियड में स्थल पर रेंगने वाले सरीसृप जीव का आगमन हुआ? तो फ्रेंड कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड में स्थल पर रेंगने वाले सरीसृप जीव का निर्माण हुआ, और इसी पीरियड में स्थल पर 100 फीट ऊंचे वृक्ष विकसित हुए और जल में उभयचर जीवों का विकास में वृद्धि हुई। इस पीरियड में भूमि के दलदली भागों में छोटे जीवों का उदय हुआ, कब? कार्बोनिफेरस के समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, किस पीरियड में सर्वप्रथम फूल वाले वनस्पति जो हैं उनका आगमन हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ था जुरैसिक पीरियड में, जुरैसिक पीरियड में सर्वप्रथम फूल वाले वनस्पति का आगमन हुआ, और इसी पीरियड में उड़ने वाले पक्षियों का भी उदय हुआ था, कब? जुरैसिक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पीरियड में पूंछ विहीन बंदर का उदय हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ ओलिगोसीन, ओलिगोसीन पीरियड में, ओलिगोसीन पीरियड में पूंछ विहीन बंदर का उदय हुआ, और इसे ही मनुष्यों का पूर्वज भी माना जाता है, ठीक है, पूंछ विहीन बंदर को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पीरियड में अटलांटिक में पैंगविन का आविर्भाव हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ मायोसीन के समय, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मायोसीन पीरियड में अटलांटिक में पेंगुइन का आविर्भाव हुआ, और मायोसीन पीरियड में ही जल में हड्डी वाली मछली प्रजातियों का भी विकास होता है, शार्क मछली का विकास इसी समय हुआ था, मायोसीन के समय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी चट्टाने प्राचीनतम है? तो फ्रेंड जो ऑर्कियन क्रम की चट्टाने हैं वो प्राचीनतम है, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उस समय तो जीवन था नहीं। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में मौजूद है, ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो फ्रेंड्स अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ, और अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो धरातल धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो फ्रेंड्स ये है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण जो है वो इसी क्रम की चट्टानों से हुआ, यानी कुडप्पा क्रम के, यानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल किला में प्रयोग किए गए सैल किस क्रम की चट्टानों से बने हैं? तो फ्रेंड ये है विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित।
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड्डब्बा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। ये चट्टानें परतदार हैं और इसी क्रम में चट्टान के सैल का प्रयोग करके लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप बनाया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।